Dinesh Pratap Singh, Minister from Uttar Pradesh, also joins us on the broadcast. Mr. Singh, something very unfortunate has happened in Rae Bareli, where we've seen at a rally our reporter being assaulted by supporters of Rahul Gandhi right in front of Rahul Gandhi's eyes after Mr. Gandhi asked him his name, asked him his caste, and asked him some other questions about the channel where he's working. हम सब Rae Bareli वासी, देशवासी दुखी हैं कि एक इस स्तर का नेता ऐसे अपनी वाणी से, आचरण से, व्यवहार से देशवासियों को लज्जित करेगा, जहां पीछे बोर्ड लगा हुआ है कि पिछड़ों का सम्मान दिया जाए, जाति जनगणना कराई जाए, उसी बोर्ड लगा करके उसी सामने पिछड़ों को पीटा जा रहा है। शिव प्रसाद यादव जी को केवल इसलिए पीटा गया कि अखिलेश यादव जी रायबरेली में शामिल नहीं हुए, तो अपनी असफलता के कारण इस तरह का काम किया जाए। और फिर मैंने ये भी देखा, देशवासियों ने इस बात को देखा कि हो सकता है शिव प्रसाद जी की कोई चूक हो, लेकिन पूरा मीडिया जगत, जितने लोग थे, सबको गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया कहके सबको अपमानित किया गया। सबको, सबके ऊपर आरोप लगाए गए कि ये गोदी मीडिया है। कोई एक व्यक्ति, एक वर्ग में कोई गलत हो सकता है, पूरा का मीडिया जगत सारा गोदी मीडिया हो गया, राहुल गांधी का विरोधी हो गया। ऐसा संदेश राहुल जी ने दिया तो मैं समझता हूँ राहुल जी इतने अयोग्य प्रतिनिधि हैं कि वो ये नहीं समझ सकते कि कौन अच्छा है कौन खराब। अब अगर देश की जनता ने उनका साथ पूरा का पूरा छोड़ दिया, तो पूरी जनता को आप दोष दोगे कि ये सारी जनता, सब गोदी जनता हो गई है, तो मैं नहीं समझता कि अच्छे आचरण से दिल जीता जा सकता है। और आज का युग मोदी युग है, जहां प्रतिस्पर्धा के युग में जो अच्छी सेवा करेगा वो आगे जाएगा। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, जंगल में एक लकड़ी बीन करके देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति हो सकते हैं। अब चांदी के चम्मच से खाने वाला रसूख और ग्लैमर के बल पे सांसद नहीं बन सकता योगी राहुल जी। इससे फर्स्टेशन में आप किसी करेस्पॉन्डेंट का अपमान नहीं करते, करना चाहिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। Yes, all right. Thank you so much for joining us on the broadcast, sir. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.